और ये बॉल और ये गलती और गुड क्या शॉट ये और गलती ले लियो और ये नो गया और ये पर एक बार और घुमा अरे और ये सिक्स और ये भी घुमा ये गेंद अरे आप पाले में गिर गई ये गेंद और हम दोनों आ रहे हैं ये राहुल की पहली गेंद है ये राहुल की तमाचा और ये दूसरी बना दी है और ये तो भाई साहब इसी मैदान की लड़ाई से आज हमारा एक मैच फिक्स हो गया है तो हमारी बैटिंग आई है और मैच माली समाज के सामने रखा है हमने तो हमारे सारे खिलाड़ी अभी वो वहां पर बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं और मिस्टर अर्जुन सोलंकी ने ये बैट उठा लिया है और अभी बैटिंग का प्रदर्शन करेंगे तो अभी ये पूरा मैच यहीं पर लाइव चलेगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे सारे खिलाड़ी यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं क्योंकि भाई साहब बैटिंग है तो बैटिंग का आनंद तो ये लेंगे ही तो ये मनोज बहुत उदास है क्योंकि भाई साहब पहले बल्लेबाजी करने को नहीं मिल रही है इनको क्योंकि ओपनिंग भाई साहब दूसरों को दे दी गई है और ये बल्लेबाजी और वन डाउन पर उतरेंगे मिस्टर भीम सोलंकी और चौथे नंबर पर उतरेंगे राहुल सोलंकी पांच नंबर पर उतरेंगे ये हमारा मनोज तिवारी और छठे नंबर पर ये बड़े आदमी है बस और ये मिस्टर भाटिया ये पहली गेंद और अर्जुन कुमार ने हल्के हाथों से खेल लिया है ट्राई है ये तो हमारा खिलाड़ी आउट हो गया आउट होने वाला खिलाड़ी अर्जुन है और पहली गेंद पर हमें एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है और उस झटके को संभालने के लिए प्रवीण कुमार हाजिर हुए हैं नंबर दूसरे पर खेलने के लिए तो अभी ये चौथी गेंद का सामना करेंगे आर्य कुमार बहुत एक ही बॉल जा रही है और ये चार तो भाई साहब हमारी टीम का खाता खुल चुका है और सारन के साथ ये खाता खुल गया है तो ये शॉट मारने वाले प्रवीण कुमार थे वो सामने चलेंगे और ये गौतम भाई साहब जो कप्तान का रूप लिया है इन्होंने अभी ये इन्होंने फोन जमा करवाया लूरिया के पास लूरिया उठा हाथ अपना तो ये गौतम गंभीर लाइन और विकेटों को संवारते हुए और ये दूसरा ओवर और ये बॉल नो बॉल थी भाई साहब ऐसे कैसे खेल रहे हैं आप ये चार रन है और ये चार रन बॉल तो लगभग नो ही लग रही थी लेकिन क्या बताया खिलाड़ी ने उठा ली तो बस चौका चला गया और ये चार रन जा सकते हैं मेरे ख्याल से पकड़ ले गए साले आप पकड़ लिया है तो एक रन की दरकार होगी यहाँ पर तो हाँ तो ये पूरा गोल ग्राउंड है तो देख लीजिए सारे खिलाड़ी तैनात है वहां पर और गुड क्या शॉट घुमाया भाई साहब गौतम ने और ये चार रन जा सकते हैं जा रहे हैं और ये पकड़ लिया और ये एक रन गजब भाई साहब ये गंभीर ने काफी अपनी हाइट से बिल्कुल नहीं घबराए ये बस उछल के कूद के शॉट ठोका है बस दो रन की दरकार पूरी हुई यहाँ पर अभी भाई साहब खिलाड़ी अपनी फील्डिंग को फिर से सजा रहे हैं क्योंकि एक मिस फील्डिंग हो गया था पीछे तो ये एक और गेंद दे और ये भी घुमा दिया है और ये जा रही है बॉल सीमा रेखा से और ये पकड़ लिया ये हमारे प्रवीण कुमार बहुत ही ढीले दौड़ रहे हैं और ये नो गेंद थी भाई साहब प्रवीण कुमार ने ये सिक्स मारा है शक्ल दिखाई आप अपनी तो प्रवीण भाई साहब ने कई वर्षों से यहाँ पर सिक्स लगाया है इस मैदान पर वर्षों से खाता खुला है आज प्रवीण कुमार का सिक्स के साथ पिछले मैच में आए थे जब एक रन से आ रहे थे हम ना तब प्रवीण कुमार ने इतनी गेंदे खाई थी कि भाई साहब दो दिन तक रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी इनको और ये प्रवीण कुमार और घुमा दिया है प्रवीण कुमार अभी काफी लय में दिख रहे हैं और ये डबल रन है भाग जा गौतम भाग जा और ये दो रन की जरूरत थी और जरूरत पूरी हुई तो अभी मुझे लगता है कि प्रवीण कुमार अभी अपनी लय वो धीरे धीरे पकड़ रहे हैं और ये प्रवीण और ये भाई साहब कॉटन बोल्ट हो गए हैं हमारे प्रवीण साहब तो कॉटन बोल्ट हो गए हैं तभी आओ भाई साहब भीम कुमार आए हैं अपने माथे पर सापा बांधकर ये सफल डाल ये भाई साहब अपनी मातृभूमि की जो क्या है ना इज्जत करते हैं तो ये नंगे पैर खेलेंगे अरे वाइड गेंद तो भाई साहब अभी ओवर आया है लगभग कितना ओवर है भाई 5 ओवर आया और हमारे दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं दो मैन बल्लेबाज थे जिनका आउट होना जाहिर था क्योंकि भाई साहब अभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा बसे हैं मनोज का भी खेलना बाकी है गौतम खेल रहा है अभी भीम सामने उतरा है और अभी राहुल खेल गौतम और ये सारन बल्ला के लग कर गई है भाई साहब बॉल तो ये सारन काफी अंदरूनी किनारा लेकर गई थी बॉल और हमें सारन की जरूरत थी वो मिल गए
कैसे भी आए रन, रन आने सही है। अभी ये खिलाड़ी, वाह वाह भाई वाह, ये मर जाए मर जाए मर जाए, खाए में मर जावा। तो भीम अपनी इज्जत को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एक रन की यहाँ पर मिलने को तो सही है, एक रन और मिल गया है। तो इस ओवर की लास्ट गेंद, तो भाई साहब 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 22 रन बने हैं। यार हम ये स्कोर हमारे काफी नहीं रोगा, सामने खिलाड़ी लाल भोगी दरबा भीम कुमार को सहारा, क्या हुआ लगा भीम कुमार छोटे लोग हैं गेंद खेलते खेलते, यार क्या करें, आपको इतनी इतनी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे खिलाड़ी नहीं बनते। ये छठा ओवर और 22 रन बन गए हैं, छठा ओवर शुरू हुआ है यहाँ पर, और ये सिक्स है भाई साहब, भीम ने ज्यादा से ज्यादा कमाल कर दिया, सिक्स मार दिया भाई साहब, क्या बटी, भाई साहब यहाँ पर तो टिक्के लेने पड़ेंगे हमको यार। भाई साहब ये खिलाड़ी ऐसे घायल हो गया था, देख लीजिए खून की धारा रक्त धारा बह रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने सिक्स लगाया है, हमारी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभी और गेंद आती हुई और ये भी घुमा दिया है, और ये भी 4 रन है मुझे लगता है, आज जा रही है जा रही है जा रही है, और ये गई तो गई भाई साहब। तो मिस्टर भीमसेन ने 2 गेंदों पर 2 लगातार, 1 सिक्स और 1 चौका के साथ हमारे स्कोर को लगभग 30 के आंकड़े से पार पहुंचा चुके, और ये भी घुमा दिया, और यहाँ पर 1 रन की मिल सकता है, 1 रन ही मिलेगा यहाँ पर, हाँ मिल गया 1 रन। तो अभी लास्ट गेंद फिर से फेंकेंगे, ये लास्ट गेंद और ये 4-4-4-4-4 दरकार 4 रन। तो भाई साहब अभी चौके चौकों से ही बात हो रही है, चौके चक्कों से ही बात हो रही है, राहुल और मनोज दोनों आ रहे हैं, ये पता नहीं किनको किनको मारने जा रहे हैं पता। और ये गेंद आ रही है, पाले में गिर गई है गेंद, और ये सिक्स के साथ ना भीम कुमार ने अपनी बैटिंग को पूरा किया यहाँ पर, ये सकल बताइए भाई साहब, सकल दिक्कत है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। जगह पर उतरे हैं राहुल और गौतम की जगह पर उतरे हैं मनोज, तो ये जोड़ी बिल्कुल नहीं क्रीज पर उतर चुकी है, क्योंकि भाई साहब ओवर बसे हैं 2 और खिलाड़ियों को सभी खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा हमें। और ये राहुल को भी बॉल समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं ये पिच कैसा हो गया, खेल खेल कर गंभीर ने बहुत बड़े बड़े शॉट लगाए थे, भीम ने भी बहुत बड़े बड़े शॉट लगाए थे, ये राहुल को समझ नहीं, और ये साथ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और गया 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 भाई साहब, गया 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 गया, किस्मत के सारे सही मगर रन मिल रहे हैं हमको। तो भाई साहब दिल थाम के बैठिए, और ये लास्ट ओवर था, लास्ट ओवर की पहली गेंद हुई अभी, ये लास्ट ओवर अभी मनोज खेल रहा है, तो ये मनोज कुमार काफी अंधी आंखों से बल्ला घुमा रहे हैं, ये सोलंकी और उठा दिया सक्का, ये देखिए वो जा रहा है, अब दूसरी बॉल में क्या करते हैं हमारे पुखराज, और ये दूसरी बॉल भी उठा दिया है 4 रन की, और फिर से राहुल रहे हैं, क्या करते हैं अपनी टीम के लिए देखते हैं, राहुल करते हुए अंतिम गेंद का सामना, और ये उठा दिया है, और ये 4 रन, क्या काफी फायदा उठाते हुए हमारे टीम के खिलाड़ी, देखिए इनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट, जैसे देख सकते हो लास्ट गेंद पे चौका मारते हुए हमारी टीम की, ये राहुल ने चौका मारा भाई साहब, स्कोर हुआ है 51 और 52 पर इनकी जीत हो जाएगी। तो अभी ये सामने खेलने आ गए हैं और गेंदबाजी होगी, तो ये गंभीर साहब अपना पहला ओवर लेने आए हैं, और गंभीर साहब और ये माली समाज के ओपनर उतर सके, तो हमारी फील्डिंग लग चुकी है, वहां तक देखिए आप, वहां से खिलाड़ी मतलब कि सजना स्टार हो जाएंगे, भीम वहां से आ चुका है, और मनोज नहीं प्रवीण कुमार प्रवीण भाई साहब वहां खड़े हैं, और राहुल अपनी जगह को ग्रहण करने जा रहा है, और मनोज ने तो पहले ही ग्रहण कर लिया, देखिए मुझे पता नहीं कहाँ पर खड़ा होना है। तो भाई साहब हमारी टीम से दूसरा ओवर लेकर आए अर्जुन सोलंकी, अभी ये पहली गेंद, तो अर्जुन की बॉल पर छक्का लगा था, तो बॉल वहाँ पर चली गई थी, वो प्रवीण पीछे से आ रहा, देखिए वो प्रवीण आ रहा वहाँ से बॉल निकाल कर बाहर से, तो यार 1 छक्का गौतम के ओवर में लगा था, 1 अर्जुन के ओवर में लग गया है, तो अभी यार स्कोर तो बराबर चल रहा है इनके, हमारे बराबर ही चल रहा है लगभग। तो भाई साहब तीसरा ओवर हम लेकर आए हैं, तो अभी ये फेंकेंगे गेंद सामने, ठीक है भाई साहब, अभी हमारी ये 5 गेंदें हो चुकी है, बॉल चली गई है झाड़ियों में, तो वहाँ से खोज कर निकाल रहे हैं, तो ये वहाँ पर खोज रहे हैं गेंदे, वहाँ पर दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे वहाँ पर, अभी हम लास्ट गेंद फेंकेंगे, अभी ये लास्ट गेंद आएगी तो हम अपनी फील्डिंग पर फिर से चले जाएंगे।
अभी तो हम अपना ओवर कंप्लीट करके यहाँ पर फील्डिंग पर लगे ही थे कि ये जाते ही पहली गेंद फेंक कर एक खिलाड़ी को आउट भी कर दिया यार। एक और खिलाड़ी आउट हो गया, हमने वीडियो अभी जस्ट बंद ही किया था कि ये खिलाड़ी आउट हो गया वहाँ पर सामने वाला। तो अभी हम जीत के और करीब आ गए हैं भाई साहब। और खिलाड़ी को आउट करने वाला मनोज था, मनोज ने ही बॉल की और मनोज ने ही कॉटन गोल्ड किया। तो ये गौतम बॉल, गौतम के साथ जाती हुई बॉल आ रही, गौतम रन आउट कर रहा है और ये पास जाकर रन आउट किया है मनोज गौतम ने। तो भाई साहब विकेटों पर विकेटें गिरते जा रही हैं और खिलाड़ी है जो अपनी उम्मीदों के साथ जो उतरे थे वो अभी उम्मीदें खत्म होने जा रही हैं। तो भाई साहब यहाँ पर रन आउट का सहारा था और ये खिलाड़ी लड़ रहे हैं, यहाँ पर लाइन खींची जा रही है। देखिए ये काफी आड़ी आड़ी लाइन को देखिए आप, ये काफी लाइन आड़ी आड़ी जा रही है। हमारे गौतम भाई साहब का कहना था कि यहाँ पर रन आउट हुआ है और ये देखिए आप, ये भाई साहब ये गवाह है, ये गौतम का कहना यहाँ पर झूठ हो गया है। तो गौतम भाई साहब ऐसे आप क्यों कर रहे हैं यार, लड़ाई क्यों कर रहे हैं, बस एक खिलाड़ी तो खेल रहा है अभी तक। हाँ बस इन्होंने जीवन दान दे दिया इनको। तो भाई साहब हमने वहाँ पर जाकर लड़ाई को शांत करवाया वहाँ पर जाकर। ठीक है अभी ये अभी 5 ओवर अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो अभी हम फिर से फील्डिंग पर लगते हैं। दो गेंदों पर दो लगातार विकेट लेने के बाद भीम कुमार ऑन द हैट्रिक बॉल फेंकेंगे। ये सामने बच्चा ही लगता है, हैट्रिक बन जाएगी यहाँ पर। अरे खाली गई गेंद भाई साहब, तो हम जीत के करीब ही हैं। ये 7 ओवर चल रहा है, भीम कुमार हैट्रिक से सूख गए हैं। तो कोई बात नहीं भाई साहब, आपने रन बहुत ही ज्यादा लिए हैं तो आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए हैट्रिक की। ये हम जीत चुके हैं, बाद जीत की खुशियां हमारे खिलाड़ी कुछ इस तरह मना दिया। ये सामने वाला कैमरा, ये भाई साहब, ये खिलाड़ी दे गया, ये खिलाड़ी दे गया, ये भाई साहब ऐसे। तो हम जीत चुके हैं, ये कांटे का मैच नहीं था, ये एक तरफा मैच था। सारे खिलाड़ी एक एक करके आउट होते गए और हमारे खिलाड़ी खेलते खेलते रिटायर होते गए बस। तो भाई साहब ये प्रवीण कुमार ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था और राहुल तीन गेंद खेल पाए थे बस। और ये वाले कप्तान टीम के कुछ बोलेंगे बस। और ये वाइस कैप्टन अर्जुन सोलंकी और ये बैट लग जाती है हमारे भाई साहब। और ये भीम भाई साहब इनके दो दो छक्के वापस पीछे देखिए, वहां पर लगा था दो छक्के। क्या कहना भाई साहब, अभी ये देखिए यहाँ पर लग भी चुकी थी हाथ पर, ये देखिए लग भी चुकी थी। अब यहाँ पर 3-4 टक्के लेने पड़ेंगे हमको। और ये टोपी भाई साहब फील्डिंग कराई वहाँ पर भी से। तो भाई साहब इस शानदार जीत के साथ हमारा व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे ये मैच खेलने का अंदाज और व्लॉग बोलने की कमेंट्री वगैरह पसंद आई हो तो यार लाइक ठोकी है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि भाई साहब दूरस्त आए मगर आए जरूर, चैनल पर घूमे जरूर एक बार। ठीक है, अभी मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, गुड बाय।